स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज फाइन राइट चिल्ड्रन ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 3 ओके द टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 व्हाट आर द इफेक्ट्स ओके इमीडिएट इफेक्ट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स कम्युनाइजेशन इन चाइना द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर ओके चिल्ड्रन दीज आर द इफेक्ट्स व्हिच वर कॉज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 तो हम इसके बारे में देखते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स दिस वॉर हैड कॉज्ड हॉरेंडियस डिस्ट्रक्शंस इन द वर्ल्ड ऑल द इन्वॉल्व्ड नेशंस हैड इंक्यूर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस तो इस वर्ल्ड वॉर जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स थे वो बहुत ही हॉरेंडियस मीन्स बहुत ही डेंजरस था और वो बहुत ही ज़्यादातर डिस्ट्रक्शंस हुआ पूरी दुनिया में और बहुत सारे नेशंस है उन्होंने अपना जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा घुमाया अमेरिका हैड स्पेंट $350 million एंड अदर नेशंस हैड स्पेंट मोर देन $1,000 million तो अमेरिका जो है उसने $350 million जो है वो स्पेंड किए थे और बाकी के जो है वो $1,000 million से ज़्यादा प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू उसके साथ साथ प्रॉपर्टी होती है वो भी उतना ही डिस्ट्रॉय हुई थी इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 crore एंड अबाउट जर्मनी वन के नॉट इमेजिन तो इंग्लैंड जो है उसने कितनी प्रॉपर्टी तो के 2,000 crore 2,000 crore और बोला जाए जर्मनी का तो उसका तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशंस तो जो वर्ल्ड्स के नेशंस थे उन्होंने इम्पोर्टेंस जो थे वो आर्म्स को दिया था सो देर वॉज ए स्केर्सिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स तो इसके चलते वहाँ पर स्केर्सिटी हो गई थी मतलब कि लेस अमाउंट में मिल रहे थे जैसे बेसिक नीड्स हम लोग की जो होती है क्या होती है जो खाना पीना रहना वो सब प्रोडक्शन रेड्यूस्ड जो प्रोडक्ट कर रहे थे वो कम हो गया इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड एक दूसरे में फैला गया ज़्यादा पीपल वेल स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड तो पीपल जो है वो जीने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे देर वॉज स्केर्सिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट तो वहाँ मार्केट में प्रोडक्शन हो रहे थे और गुड्स जो बेच रहे थे वो भी क्या थे कम थे अगर कम होगा तो इकोनॉमिकली देखा जाए कम होगा तो पैसा ज़्यादा से हम लोग को देकर लेना होता है तो एक तो वहाँ इकोनॉमिकली वेयर दे आर वेरी पुअर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वॉज स्कैटर्ड डर जैसे उसे देखे तो हम डर जाए वैसी लाइफ हो गई थी एज अ रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेयर पुश्ड इनटू एन इकोनॉमिक डिप्रेशंस देखा गया तो जो नेशंस है वो सब लोग डिप्रेशन में हो किसके चलते इस इकोनॉमी के लिए देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी तो बहुत सारे ऐसे चेंज है पॉलिटिक्स में और साथ साथ में इकोनॉमी कम्युनिज्म इन चाइना मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेयर इम्प्रेस्ड बाई द वे रशिया हैड मेड ए फास्ट प्रोग्रेस विथ ए कम्युनिस्ट मेजर्स विथ अ बोल्शेविक रिवोल्यूशंस तो बहुत सारे देश है दुनिया में तो वो इम्प्रेस हो गए किससे रशिया से क्योंकि रशिया ने जो है वो फास्ट प्रोग्रेस बनाया था किसके मेजर्स विथ द किसके साथ तो के बोल्शेविक रिवोल्यूशन चाइना टू वॉज इम्प्रेस्ड तो इसमें चाइना जो है वो भी क्या हो गई थी इम्प्रेस हो गई थी जापान हैड बिकेम वीक आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर तो जापान जो है वो वीक हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंडर दिस सर्कमस्टेंटेस इट्स कंट्रोल्स ओवर चाइना हैड रिसाइडेड तो इसके चलते वो लोगों ने अपना जो कंट्रोल है वो चाइना वालों ने क्या किया उसके ऊपर जमा लिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस माओटीज टंग एस्टैब्लिश्ड कम्युनिस्ट रूल इन 1949 एट द एंड ऑफ ए रिवोल्यूशन इन चाइना तो इसका फायदा लेते हुए किसने तो के माओ सी टंग ने एक कम्युनिटी जो है उसके बनाई और उसके रूल्स बनाए कौन से साल में तो के 1949 में तब रिवॉल्यूशन इन चाइना जो है वो समाप्त होने वाला था द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो बिगनिंग हो रहा था कोल्ड वॉर के और जो इसके इफेक्ट्स थे वो बहुत ही लॉन्ग लंबे थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू सुपर पावर्स तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये दुनिया वर्ल्ड है वो टू सुपर पावर्स में डिवाइड हुए थे एक थी अमेरिका और दूसरी थी रशिया ड्यूरिंग द वार बोथ द नेशंस वर फ्रेंड तो ड्यूरिंग द वार जब हो रहा था तब ये दोनों नेशंस थे वो क्या थे फ्रेंड्स थे बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग
तो इस वार के बाद, युद्ध के बाद देखा तो ये दोनों के जो ओपिनियन होते हैं बिटवीन देम वो क्या होते गए, बढ़ते गए दोनों के ओपिनियंस जो देने थे. दस द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड द कम्युनिस्ट रशिया बिकेम म्यूचुअली ऑपोजिट ग्रुप्स. तो फिर यहाँ क्या हो गए, अमेरिका और रशिया जो है वो दोनों ऑपोजिट में हो गए, क्योंकि उनके ओपिनियंस थे वो क्या होते जा रहे थे, रोज बेरोज इंक्रीज होते जाते. अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइंड दीज टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. तो देखा जाए तो दूसरे नेशन से अपने हिसाब से ये दो पावर्स में अलग अलग अपने मर्जी से जुड़ गए. द वार ऑफ द वर्ड्स एंड द वार ऑफ द आइडियोलॉजीज दैट बोथ सुपर पावर्स इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोज और अपोज ईच अदर्स ओपिनियन क्रिएटेड द एटमोसफियर ऑफ कोल्ड वार. तो फिर ये जो युद्ध था, ऐसे ही बहुत सारे नेशंस दोनों पावर्स में जुड़ने लगे, तो एक दूसरे को क्या मिलने लगा था, सपोर्ट मिलने के बाद ये दोनों क्या किए, कहाँ मेरी टीम इतनी हो गई, मेरे नेशंस इतने तरफ आ गए मेरे, तो ये लोग चाहते थे कि हम उनको अपोज करें और मतलब कि एक दूसरे में फिर से युद्ध हो. ऐसे करते करते ये लोग में एक वातावरण ऐसे छा गया कोल्ड वार जैसे. मेनी ए टाइम्स द सिचुएशंस फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर सीम टू बी क्रिएटेड. बहुत बार देखा के तो यहाँ क्या होने वाला था, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होने वाला था. ओके, अब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वॉर द लीग ऑफ द नेशंस वॉज फॉर्मड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस. हमको ये पता ही था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था. फर्स्ट वॉर का एंड था तब लीग ऑफ नेशंस थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था थोड़े से, क्या एस्टैब्लिश किए थे तो उनके कुछ रूल्स थे, तो वहाँ किसके लिए, वर्ल्ड पीस के लिए. बट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वॉर टू अकर मीन द लीग ऑफ द नेशंस वॉज फेल्यूर. दूसरे मान में ये फेल्यूर हो, तो लीग ऑफ नेशंस तो बट द फैक्ट द वर्ल्ड वॉर टू अकर दैट मीन द लीग ऑफ नेशंस वॉज फेल. तो दूसरा वर्ल्ड वॉर आया तब हमें पता चला कि लीग ऑफ नेशंस ने जो रूल्स बनाए थे वो फेल हो गए. एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू ऑन 24th October 1945 द यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टैब्लिश विद द पर्पस ऑफ पीस सिक्योरिटी एंड को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. इट हेडक्वार्टर्स वॉज टू बी इन ए न्यूयॉर्क. तो एट द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कंप्लीट होने आया था, और कौन सा दिन था, 24th October 1945 में यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने फिर से रूल्स जो थे उसे एस्टैब्लिश किए, और किस विद द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस थे उनके, तो के पीस और सिक्योरिटी और को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, मीन्स उनकी एंट्री को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. इट हेडक्वार्टर्स वॉज टू बी इन ए न्यूयॉर्क. तो उसके हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ पर थे, न्यूयॉर्क, जो आप देख सकते हैं आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है अपना हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशंस का. अमेरिकन्स एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलरेडी बिगन फ्रॉम द टाइम इट जॉइंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो अमेरिकन्स के जो एफर्ट्स थे वो पहले से ही इनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, क्या करने के लिए, जो एस्टैब्लिश करना था उनको क्या करना था, तो कि यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश करने थे. टाइम इट जॉइंड द वर्ल्ड वॉर, ओके, टाइम इट जॉइंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर. द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट मेड 4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम वाइल गिविंग हिज मैसेज टू द अमेरिकन कांग्रेस विद द नेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम पीस एंड सिक्योरिटी. तो अमेरिकन के प्रेसिडेंट कौन थे, रूज़वेल्ट ने 4 अनाउंसमेंट किए, किस रिकॉर्डिंग किसके, तो के फ्रीडम के रिकॉर्ड, मतलब फ्रीडम जब दे दिया था, फ्रीडम मिला था उसके, उसे लेकर अमेरिकन के प्रेसिडेंट जो है रूज़वेल्ट ने अनाउंसमेंट किया था. कब किया था, तो उसका मैसेज किसे दिया था, तो के अमेरिकन कांग्रेस को. उनका इंटेंशन क्या था, हुमेन फ्रीडम, हुमेन्स को फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है, पीस मिलना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है. तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट जो अभी बोला था, 4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए थे, तो उसके अंदर पहला जो था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट. उनकी फ्रीडम होना चाहिए, किसमें, स्पीच जब बोल रहे कुछ सोच रहे उसमें भी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर. फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इकोनॉमिकली फ्रीडम और देन राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, मीन्स डर से भी उनको एक फ्रीडम होनी चाहिए, ओके. लेटर प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल प्रीपेड एन 8-point एग्रीमेंट वाइल दे वर ऑन ए शिप इन द एटलांटिक ओशियन, विच लेटर टू बी नोन एज एटलांटिक एग्रीमेंट.
तो लेटर प्रेसिडेंट कौन थे, वो लेटर उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे रूज़वेल्ट और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, वो दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाई, उसके अंदर 8 पॉइंट्स थे। और ये जो पॉइंट्स उन्होंने कब लिखे थे, वो लोग जब शिप में थे और कौन से ओशियन, मतलब जो शिप है वो कुछ तो ओशियंस में चल रही थी, तो एटलांटिक ओशियंस दे वर शिप, तो वहाँ पर बाद में ये लोग को जो एग्रीमेंट, वहाँ पर उनको 8 पॉइंट्स बनाने थे, एग्रीमेंट बनानी थी, तो उस एग्रीमेंट का नाम उन्होंने दिया है एटलांटिक एग्रीमेंट, क्योंकि एटलांटिक ओशियंस में वो लोग क्या कर रहे थे, उसके बारे में बना रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तब द एग्रीमेंट इंक्लूड्स मैटर लाइक मेंटेन फ्रीडम एंड सोवर्जिनिटी ऑफ एवरी नेशन, पीस सिक्योरिटी सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्ममेंट। ओके, तो इनके जो मैटर्स थे वो थे क्या थे, तो के अपना जो फ्रीडम मिला है उसे मेंटेन करना, ठीक है, और सोवर्जिनिटी ऑफ एवरी नेशन मीन सिक्योरिटी उनको मिलना, पीस शांति मिलना, सोशल और इकोनॉमिक्स में वेलफेयर मिलना, इसके बारे में ये लोग जो है वो बातें कर रहे थे। देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन द मॉस्को फॉर द वर्ल्ड पीस। उसके बाद फॉरेन के जो मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ के, तो के ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को, मॉस्को में मिले किसके लिए, तो के वर्ल्ड पीस शांति के लिए, विच केम टू नाउन हैज मॉस्को डिक्लेरेशन, तो वो लोग सब कहाँ मिले थे, मॉस्को में, और फिर वहाँ बैठ के उन लोगों ने बातचीत की, चर्चा की, किससे किसके लिए की थी, तो के दुनिया की शांति के लिए, और इसे क्या नाम दिया गया, मॉस्को डिक्लेरेशन, क्योंकि वहाँ डिक्लेयर किया गया था, मॉस्को में बैठे फिर वहाँ पर वो लोगों ने सब चर्चा की, शांति की वो सब, और फिर उसे नाम दिया गया मॉस्को डिक्लेरेशन। इन नवंबर 1943 थ्री सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान, तो नवंबर 1943 में थ्री सुपर पावर्स जो थे पावर्स, उन्होंने क्या किया, वो लोगों ने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी, कहाँ पर, तेहरान। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वॉशिंगटन, तो 50 रिप्रेजेंटेटिव्स जो नेशंस के थे वो लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में जो एग्रीमेंट, जो रूल्स बनाने थे वो सब ये यूनाइटेड स्टेट्स के बनाए, कहाँ बनाए, एट वॉशिंगटन, कहाँ बनाए, वॉशिंगटन, सितंबर 1944। ऑन अक्टूबर 24, 1945 द 51 मेंबर नेशंस डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ये जो एग्रीमेंट था वो कब बन रहा था, 1944 में सितंबर, लेकिन देखिए अक्टूबर दिया गया 1945, मतलब कि एक साल के बाद देखा तो 51 मेंबर्स जो थे उन्होंने इस एग्रीमेंट में डिक्लेयर किए गए, कौन सा एग्रीमेंट, इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट, द 50 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो 51 आया तो उसके अंदर कौन आ गया था, अपना इंडिया। ओके, सिंस देन 24th अक्टूबर इज डिक्लेयर हैज यूनाइटेड नेशंस डे, इसीलिए हम बोलते हैं 24th अक्टूबर को अपना यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, प्रेजेंटली 193 नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो अब हम देखें तो प्रेजेंटली अपने 193 नेशंस आर मेंबर्स, 193 नेशंस के जो लोग हैं वो कहाँ पर है, 193 नेशंस आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके चिल्ड्रेन, आपको समझ में आ गया, तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स भी दिखाए गए हैं और यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग दिखाई दिया है, देख रहे हो ना फ्लैग और उसका, और पिछले बार हम लोगों ने जब यूनाइटेड नेशन में देखा था तो उसका एम्ब्लेम दिखा रहा था, जो फ्लैग में तुम लोग सेंटर में देख सकते हो, और यूनाइटेड नेशंस में देखिए आप लोग जो आपको पिक्चर दिखाया गया है वहाँ पर अलग अलग नेशंस के फ्लैग जो है वो लगे हुए हैं, देख रहे हो ना आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है ऊपर, तो फर्स्ट वन जो है हम लोग का इंडिया का है ना, इंडिया जो ऐसे ही सभी नेशंस के वहाँ पर ये लोगों ने क्या लहराए हैं अपने फ्लैग्स, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस में। ओके, हेडक्वार्टर्स पर, और हम लोग अपना जो यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर। ओके चिल्ड्रेंस, ये सब थे हम लोग की आज की चर्चा जो अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू था। ओके, देन नेक्स्ट, ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट्स एम्स, इट इंक्लूड 6 ऑर्गन्स, तो उनके एम्स को अचीव करने के लिए वो लोग के पास 6 ऑर्गन्स, जैसे कि हम लोग के पास भी
ऑर्गन्स होते हैं ना, उसी तरह से और ये जो यूनाइटेड नेशंस है उनके भी ऑर्गन्स थे. कितने थे? 6. व्हाट आर द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट. ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग्यू नेदरलैंड, ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क अमेरिका. तो बाकी के जो ये जो उन्होंने 6 ऑर्गन्स दिए हैं उसमें से जो एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो नेदरलैंड में देखने को मिलता है और बाकी के जो है वो न्यूयॉर्क में. तो एक्टिविटीज क्या है देखते हैं. जनरल असेंबली, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द जनरल असेंबली. तो बिगेस्ट ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशंस का वो कौन सा है? जनरल असेंबली. इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द मेंबर नेशंस. तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पूरे नेशंस के हैं. एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस. तो हर एक नेशंस जो है अपने कम से कम पांच रिप्रेजेंटेटिव्स को इस जनरल असेंबली में भेज सकते. बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड. लेकिन इलेक्शन के जब इलेक्शंस होता है तो सिर्फ एक ही वोट एक कंट्री का गिना जाता है. इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंडेड और एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसमें ये लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस कोई बात जुड़ी हुई है. इट्स एक्सेप्ट्स द बजट रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी काउंसिल एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस. इट एक्सेप्ट्स द बजट्स, जो बजट्स वो लोग कहते हैं कि ऐसे है जो कौन प्रेजेंटेड करता है, जो सेक्रेटरीट वहाँ का जो जनरल असेंबली का होता है उन्हें ये लोग सब क्या करते हैं, उनका प्रेजेंट दिए हुए प्रेजेंटेड किए हुए तो एक्सेप्ट करते हैं. इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स. तो वो लोग को सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो लेकर हुए हैं नेशंस को लेकर, ह्यूमन राइट्स में जो होते हैं उनके. डिसीजंस आर टेकन बाय 2-3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स. तो जो डिसीशंस है वो कब लिए जाते हैं, जो 3 में से, जैसे कि वोटिंग होता है 4 वोटिंग में से 3 वोटिंग्स दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो इसी तरह से जब सब लोग सजेस्ट करते हैं, बात करते हैं, एडवाइस करते हैं, तभी अगर ज़्यादा जो लोग बोलते हैं उनका ही क्या किया जाता है, डिसीशंस जो है वो लिए जाते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ओके, देर आर द 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस. तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इस सेक्रेटरी काउंसिल में, दैट इज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स. बाकी के जो 10 है वो परमानेंट नहीं है. दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स बाय द जनरल असेंबली. तो जनरल असेंबली जो है बाकी के 10 जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हर 2 साल को वो क्या करते हैं, चेंज. दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रीमेंडियस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और वो जो ये जो काउंसिल है वो पावर्स को क्या करती है, मेंटेन करती है. ठीक है, किसे रिलेटेड हुए, पीस और सिक्योरिटी. इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द नेशंस पीसफुली थ्रू नेगोटेशंस एंड मेडिटेशंस. तो ये लोग जो उनके प्रॉब्लम्स जो हुए हैं नेशंस में उसे शांति से, ठीक है, पीसफुली से ये लोग इसे क्या करती है, निकाल देती है. व्हेन एनीवन परमानेंट मेंबर डज नॉट वोट इन सपोर्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर, इट कैन नॉट टेक ए डिसीजन ऑन दैट. अगर कोई जो परमानेंट मेंबर है, ओके, तो मैंने अभी कहा था ना कि जो अगर एक जो 5 तो परमानेंट है, अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो वो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं किया हो किसी इंटरनेशनल मैटर के लिए, तो इट कैन नॉट टेक ए डिसीजन ऑन दैट. वो डिसीजन उस पर नहीं ले सकते. लेकिन दिस पावर ऑफ द 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड ए वीटो और राइट टू डिने. वो लोग के पास राइट होता है कि वो उसे मना भी कर सकते. ओके, जो ये 5 में से जो अगर कोई एक जो है उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता है. तो रशिया हैज़ यूज्ड दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो 5 मेंबर, तो रशिया जो है वो लोगों ने इस वीटो पावर को मैक्सिमम मींस बहुत बार इसने उपयोग कर लिया. किसने? रशियन. ओके चिल्ड्रन, तो जनरल असेंबली जो है हम लोग देख सकते हैं चित्र में, और चार्ट ऑफ वीटो पावर यूज टिल 2006 तक वो भी देख सकते हैं. नाउ द थर्ड वन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड ए इसोको. इसे हम क्या करते हैं, बुला सकते हैं इसोको, इसोसोक. द जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 ऑफ इट्स रिटेनिंग मेंबर्स फॉर 3 ईयर्स. जो उनके रिटेनिंग ऑफ इट्स रिटेनिंग मेंबर्स फॉर 3 ईयर्स. तो ये जनरल असेंबली है वो अपॉइंट करती है कितने, 3 में से 2/3
तो वो रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए. दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बेस ऑफ रिलीजन, कैस्ट और रीजन. दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो ये टू थर्ड जो ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर्स जो है वो 3 साल के होते हैं, और फिर ये लोग हैं ना उनको लेकर उस काउंसिल को रेज करने के लिए रेज करते हैं. किसके अंदर? तो के लिविंग ऑफ द नेशंस, नेशंस को अपग्रेड करने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को विथआउट मतलब कोई इसके अंदर जात नात की भेदभाव वगैर. और इसके जो काउंसिल है और काउंसिल्स के नीचे जो छोटे छोटे सब काउंसिल्स जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो जैसे आपको देखा गया तो ये काउंसिल और सब काउंसिल. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ऐसे जो होते हैं वो लोग ये क्या करते हैं, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी वर्क टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होता है तो इनकी FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेस द न्यूट्रिशन लेवल. तो FAO वालों का काम क्या होता है तो कि वो इम्प्रूवमेंट करते हैं. किसके अंदर करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट और फिशरीज एंड, तो ये सब करके वो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो हाई करते हैं. ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये ILO है वो किसके लिए काम करता है? जस्टिस देता है लेबर्स मतलब जो काम करते हैं, ठीक है, मजदूर, उनके लिए. UNICEF यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स अंडरटेक्स चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियल फूड एंड एजुकेशन. तो यूनिसेफ हमें बहुत जगह दिखाई देता है जहाँ चिल्ड्रेंस को कहाँ क्या मिलता है, न्यूट्रिशनल फूड और एजुकेशन मिले, इस सब का ध्यान रखता है. यूनेस्को वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय रिमूविंग इलिटरेसी, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ थ्रू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जस्टिस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेस. तो यूनेस्को यूनेस्को जो है वो क्या करता है, कोऑपरेट करता है किसके लिए, तो किसके चल कोऑपरेशन करता है, क्या रिमूव करने के लिए, तो के इलिटरेसी जो अपन है और अब स्टैंडर्ड्स जो है लिविंग करने के अपग्रेड करने के लिए किसके द्वारा, तो के एजुकेशन देकर, उनको न्याय दिलाकर साइंस में और कल्चरल सोर्सेस में. ओके, बिसाइड्स दिस देर आर सब काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विच अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज. तो इससे और उसके सब काउंसिल उसके नीचे भी जो होते हैं. ट्रस्टीशिप देर आर 5 परमानेंट मेंबर नेशंस इन दिस काउंसिल. इसके अंदर भी 5 परमानेंट मेंबर्स जो है वो होते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो किससे सेलेक्ट किए गए होते हैं? जनरल असेंबली, जो फर्स्ट था हम लोग का ऑर्गन. इट ओवरसीज मैटर्स परमिनेटिंग टू नेशंस दैट हैव नॉट एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट, ऑल्सो नेशंस डिफीटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इट्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट. तो ये लोग जो है मैटर्स सब देखते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस ना मिला हो और कोई मैटर्स में फंसे हुए हो और नेशंस जो एक दूसरे को डिफीट किए हो सेकंड वर्ल्ड वार में, और उनका सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ये ट्रस्टशिप काउंसिल जो है वो काम करता है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट हेडक्वार्टर्स इज इन द सिटी ऑफ, अभी मैंने बोला था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हैग्यू नेदरलैंड में है, बाकी के सब यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क. देर आर 15 जजेस इन इट. इसके अंदर 15 जजेस है हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर्स. ये लोग जो है 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट. इट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस, गिव्स वेरडिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स लीगल एडवाइस. तो ये जो लोग हैं 9 साल के लिए अपॉइंट किए गए होते हैं और बाद में आते हैं कि वो डिस्प्यूट्स जो है नेशंस के जो गुनाह किया हो उन लोग के लिए ये लोग सलाह देते हैं अच्छे से. ओके, नाउ कम सेक्रेटरी. द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड सेक. तो ऑफिस है सेक्रेटरी जनरल काउंसिल की, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी. द जनरल असेंबली अपॉइंट्स, जनरल असेंबली है वो इसे सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं. कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए. सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट्स ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल. ये सब उनकी हेल्प करते हैं. ओके, द
The secretariat is situated in New York. ये कहाँ आई है? New York में. The United Nations has constantly been making efforts to establish our world peace, unity and to achieve the dream of universal brotherhood. तो इनका जो establishment का हेतु क्या है कि हम दुनिया में शांति बना के रखें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, और उनका सपना है कि ये जो universal है वो एक brotherhood, मतलब कि भाई की तरह रहे. ये सब है इनके क्या है एम्स एफोर्ट्स, इसीलिए वो लोग कर रहे. तो यहाँ हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है. आप इसे एक बार खोलकर अच्छे से रीड कर लीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.